हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया सेक्शन जो कि है रीनल सर्जरी। ठीक है, रीनल सर्जरी में हम सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट डिजीज है, फर्स्ट कंडीशन है, वो है कॉन्जेनाइटल कंडीशन है। उसको बोलते हैं हम होर्सशू शेप किडनी। होर्सशू शेप किडनी क्या होता है? जब भी इंट्रा एम्ब्रायनिक लाइफ में, जब भी एम्ब्रायनिक लाइफ में किडनी फॉर्म होती है, तो किडनी जो होती है मेनली पेल्विक रीजन में फॉर्म होती है। उसके बाद वो वापस असेंड होती है और अपने एक नॉर्मल लोकेशन पे पहुंचती है। ठीक है, तो क्या होता है, लाइक दीज आर टू किडनीज। ओके, होर्सशू शेप किडनी में क्या होता है, जो किडनी के लोअर पोल्स होते हैं, किडनी के जो लोअर पोल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जो किडनी के ये लोअर पोल्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक होर्सशू, लाइक होर्स का जो शू होता है उसकी एक शेप बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं होर्सशू शेप किडनी। ठीक है, होर्स शू शेप किडनी, जो लोअर पोल होता है किडनी का, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। दोनों किडनी के जो लोअर पोल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक शेप बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं होर्स शू शेप किडनी। ठीक है, अब क्या होता है, यहां प्रेजेंट है आपकी मेन एब्डोमिनल आओटा। ठीक है, एब्डोमिनल आओटा की एक मेन ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, अब इंट्रा एम्ब्रायनिक लाइफ में क्या होता है कि ये मेनली जो जिस जगह पे फॉर्म होती है पेल्विक रीजन में, जो बहुत लोअर मोस्ट पेल्विक रीजन में फॉर्म होती है, उसके बाद ये असेंड होती है। लेकिन अगर ये दोनों किडनी अलग अलग होती है तो आसानी से असेंड हो जाती है, लेकिन जब ये फ्यूज हो जाती है तो क्या होता है, जब ये असेंड होती है, जब ये होर्सशू शेप किडनी असेंड होती है तो ये स्टक हो जाती है, क्योंकि ऊपर क्या है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की वजह से जो किडनी है ये एक लोकेशन पे जाके स्टक हो जाती है और प्रॉपर लोकेशन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, होर्सशू शेप किडनी में आपको ये प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। ठीक है, जो किडनी है वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के नीचे स्टक हो जाती है। अगर हम इसकी इंसिडेंस की बात करें तो इसका जो इंसिडेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1 in 1000 पीपल्स। Like अगर 1000 बर्थ हुए हैं या 1000 लाइक पॉपुलेशन में, अगर 1000 पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 1% और 1 मेल और फीमेल एक ऐसा होगा जो इस कंडीशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका इंसिडेंस रेट जो है 1 in 1000। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं ये मेंस में। मोस्ट कॉमनली कहां प्रेजेंट होता है, मेंस में। मेल्स के अंदर ये मोस्ट कॉमनली अकर होती है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है इसकी, जहां पर ये जाके स्टक होती है, मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है जहां पर ये फ्यूज होती है, तो मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है, साइट जो है उसकी, वो है L4, लुम्बर वर्टेब्रा 4। तो जो मोस्ट कॉमन फ्यूजन लेवल है जहां पर ये जाके फ्यूज होती है, मोस्ट कॉमन जो फ्यूजन लेवल है जहां पर ये जाके फ्यूज होती है वो है L4। अगर हम बात करें कि इसके कॉम्प्लिकेशंस की, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो है आपका यूरिनरी इन्फेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। होर्सशू शेप किडनी क्या होता है, जो लोअर पोल होते हैं दोनों किडनी के, वो फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, होर्सशू। ये होर्सशू शेप किडनी जब असेंड होती है अपने नॉर्मल लोकेशन पे, तो वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल लोकेशन पे असेंड नहीं हो पाती, क्योंकि इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो अबाउ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाती है एक लोकेशन पे। इसका इंसिडेंस रेट जो है 1 in 1000 है। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है मेंस के अंदर। साइट जो है इसकी L4 है, फ्यूजन की जो साइट है जहां पर ये मेनली जाके फ्यूज होती है वो साइट जो है वो L4 है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शन है। अगर हम इसको IVP में देखते हैं, IVP मीन्स इंट्रावीनस पाइलोग्राम, अगर हम इंट्रावीनस पाइलोग्राम एक टाइप का एग्जामिनेशन मेथड है, डायग्नोस्टिक मेथड है, अगर हम इसको IVP के अंदर देखते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है जो कि IVP में शो होता है, उसको बोलते हैं फ्लावर वास अपीयरेंस। ओके, लाइक ये किडनी है, यहां प्रेजेंट होता है आपका यूरेटर एंड डिफरेंट आर्टरीज एंड वेंस। तो ये इस टाइप से शो होता है एक्सरे के अंदर, कि ऐसा शो होता है कि फ्लावर वास रखा हुआ है और ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो ये अपीयरेंस शो होता है जब हम इंट्रावीनस पाइलोग्राम में इसको डायग्नोसिस करते हैं, फ्लावर वास अपीयरेंस। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यूरिनरी इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्यूजन इज L4, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन मेंस, एंड इंसिडेंस रेट इज 1 in 1000। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है होर्सशू शेप किडनी के।
सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो है यूरोलिथियासिस। और रीनल कैलकुलस, रीनल स्टोन्स और रीनल कैलकुलस। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट अकर्ड सिचुएशन है जो भी प्रेजेंट होती है आपके रीनल स्टोन्स में। अगर हम बात करें लाइक कैसे हम बता सकते हैं कि हमारे सामने कोई पेशेंट आ रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि लोकेशन क्या है इंजरी का, ठीक है। तो मेन जो फीचर होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मेन लोकेशन क्या है इंजरी का, वो है हिमैच्यूरिया। हिमैच्यूरिया मीन्स रेड कलर ऑफ यूरिन, ठीक है। रेड कलर ऑफ यूरिन से हम पता लगा सकते हैं कि इंजरी कहां पर है। कैसे? अगर लाइक अब कोई पेशेंट है जो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 सेकेंड यूरिनेट करता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 2 to 3 सेकेंड उसको रेड कलर यूरिन दिखता है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 to 3 सेकेंड, उसके बाद नॉर्मल यूरिनेशन, नॉर्मल यूरिनेट होता है और नॉर्मल कलर होता है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 to 3 सेकेंड और 4 सेकेंड उसको रेड कलर यूरिन दिखता है, ठीक है। स्टार्टिंग लाइक 2 to 4 सेकेंड, स्टार्टिंग 2 to 4 सेकेंड ऑफ यूरिनेशन में अगर उसको रेड कलर यूरिन दिखता है तो मेनली जो इंजरी है वो कहां पर है, यूरेथ्रा के अंदर। जो साइट ऑफ इंजरी वो कहां है, यूरेथ्रा। अगर उसको एंड 2 to 4 सेकेंड के अंदर रेड कलर दिखता है, मींस अगर कोई पेशेंट है वो नॉर्मली यूरिनेट कर रहा है, 20 to 30 सेकेंड तक वो यूरिनेट कर रहा है नॉर्मली, स्टार्टिंग जब उसने यूरिनेशन स्टार्ट किया तो वो जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का वही उसको देखने को मिला, लेकिन जैसे ही वो फिनिशिंग स्टेज पर आया उसको एकदम से रेड कलर का यूरिन शो हुआ, मींस एंड जो 2 to 4 सेकेंड होंगे उसको रेड कलर यूरिन शो होगा, तो हम क्या बता सकते हैं वो साइट कौन सी इंजरी है, वो है वेसाइकल साइट इंजरी। वेसाइकल, वेसाइकल क्या होता है, लाइक ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, यूरेटर है, यूरेटर जब एंटर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ये जो साइट होती है इसको हम बोलते हैं वेसाइकल, वेसाइको यूरेटर जंक्शन, ठीक है, वेसाइकल। तो इस साइट पे इंजरी है। अगर हम बात करें कि थ्रू आउट द यूरिनेशन, थ्रू आउट यूरिनेशन उसको रेड कलर शो हो रहा है, थ्रू आउट यूरिनेशन जब से उसने यूरिनेशन स्टार्ट किया और जब तक उसने एंड किया उसको थ्रू आउट यूरिनेशन रेड कलर शो हो रहा है, तो जो इंजरी है, जो साइट ऑफ इंजरी है वो मे बी रीनल हो सकती है, मे बी प्री रीनल हो सकती है एंड मे बी पोस्ट रीनल हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, प्री रीनल हो सकती है लाइक किडनी से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, किडनी के पहले बहुत सारे रिलेटेड डिजीज होते हैं लाइक हीमोलाइसिस हो सकता है एंड मेनी अदर डिजीजेस, किडनी रिलेटेड लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड मेनी अदर डिजीजेस, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जिनसे हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं पेशेंट की साइट ऑफ इंजरी क्या है। अब यूरोलिथियासिस जो है मींस होता है स्टोन्स, यूरो मींस यूरिनरी सिस्टम, लिथियासिस मींस स्टोन्स। तो स्टोन्स को मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स मींस मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, कौन से ऐसे कॉजेस हैं जिनकी वजह से हमें यूरोलिथियासिस कॉज हो सकता है, ठीक है। अब स्टोन्स जो है वो स्पेसिफिक टाइप के मिक्सचर से बने होते हैं लाइक फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस है जिनके मिक्सचर से स्टोन्स बनते हैं, ऑक्सलेट हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयंस हैं। तो कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपको रीनल स्टोन्स कॉज होते हैं। सेकंड, अगर बॉडी के अंदर यूरिन, यूरिनरी सिट्रेट जो है, सिट्रेट यूरिनरी जब भी हम यूरिनेट करते हैं तो यूरिनरी कंसेंट्रेशन के अंदर सिट्रेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और वो सिट्रेट जो है वो आपके स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है, अगर यूरिनरी सिट्रेट की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो भी स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यूरिनरी सिट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे इंफेक्शन हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंफेक्शन हैं जो कि यूरिनरी स्टोन कॉज कर सकते हैं। फोर्थ, यूरिन स्टेसिस,
ठीक है, अगर यूरिन कहीं भी बहुत टाइम तक स्टेसिस में रहेगा, मीन्स अगर बहुत टाइम तक एक्यूमुलेट होकर रहेगा, तो वो यूरिन जो है, वो एक्यूमुलेटेड यूरिन जो है, वो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और वो रिएक्शंस करेंगे, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. यूरिन स्ट्रेसिस, इन्फेक्शन, यूरिन स्ट्रेसिस, डिक्रीज ऑफ यूरिनरी सिट्रेट एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. और कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कि रिलेट करते हैं आपके रीनल स्टोन से? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हार्मोन जो है वो आपके कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन रखता है, तो अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे. और सिक्स्थ, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन. ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कॉज हैं जिनकी वजह से यूरोलिथियासिस और स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन्स, कौन कौन से टाइप्स के स्टोन्स होते हैं. टाइप्स ऑफ स्टोन्स, सबसे फर्स्ट और मोस्ट कॉमन स्टोन जो है वो है ऑक्सलेट स्टोन्स. मोस्ट कॉमन, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन स्टोन्स जो है वो ऑक्सलेट स्टोन्स है. अब ऑक्सलेट स्टोन्स क्या होते हैं? ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है. और जब भी इरेगुलर शेप के स्टोन्स कहीं भी फॉर्मेशन हो रहे हैं और वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये स्पाइक्स हैं वो आसपास की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हुए बाहर आएंगे, और जब भी आसपास की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती हुई बाहर आएगी तो आपको हिमेच्यूरिया कॉज होगा. तो ऑक्सलेट स्टोन्स जो है वो मेनली डैमेज करते हैं म्यूकोजा को डैमेज करते हैं और शो करते हैं क्या, हिमेच्यूरिया, डैमेज म्यूकोसा एंड कॉज हिमेच्यूरिया. ठीक है, ये मेनली एसिडिक यूरिन में ज्यादा फॉर्मेशन होते हैं. जब भी एसिडिक यूरिन बहुत ज्यादा होगा तो उसके अंदर इनके फॉर्मेशन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, या उनके अंदर ही शो होते हैं. ठीक है, एसिडिक यूरिन के अंदर ही ज्यादा शो होते हैं. अब ये दो टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रेट एंड डाइहाइड्रेट. मोनोहाइड्रेट एंड डाइहाइड्रेट. मोनोहाइड्रेट जो होते हैं मींस अगर सिर्फ एक ही कंपाउंड से मिलकर बने हुए तो ये थोड़ा हार्ड स्टोन होते हैं, लेकिन अगर डाइहाइड्रेट में थोड़े सॉफ्ट स्टोन होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के स्टोन जो है वो कौन से हैं? ऑक्सलेट स्टोन मोस्ट कॉमन टाइप के स्टोन हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी वो यूरिनेशन के टाइम पर बॉडी से बाहर आएंगे तो वो स्पाइक्स जो है वो म्यूकोसा जो लेयर है, जो अंदर की म्यूकोसल लेयर है, उसको डैमेज करते हुए बाहर आएंगे, और जब भी म्यूकोसल लेयर डैमेज होती बाहर आएगी तो थोड़ा बहुत हमें ब्लडिंग भी साथ में यूरिनेशन के साथ में दिख सकती है, इसलिए हम हिमेच्यूरिया भी इन ऑक्सलेट स्टोन में कॉज होता है. ये दो टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रेट एंड डाइहाइड्रेट, मेनली एसिडिक यूरिन में शो होते हैं. सेकेंड टाइप के स्टोन की बात करते हैं, सेकेंड टाइप के स्टोन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फेट कैल्क्युलाई. फॉस्फेट कैल्क्युलाई ठीक है, तो फॉस्फेट कैल्क्युलाई क्या होते हैं? फॉस्फेट कैल्क्युलाई जो होते हैं मेनली बहुत स्मूथ होते हैं. ठीक है, ये इरेगुलर शेप के नहीं होते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं होते हैं, ये स्मूथ होते हैं और ये डर्टी व्हाइट कलर के होते हैं. स्मूथ होते हैं, डर्टी व्हाइट कलर के होते हैं, डर्टी व्हाइट कलर में होते हैं. ठीक है, स्मूथ होते हैं, डर्टी व्हाइट कलर में होते हैं, मेनली फॉर्मेशन होता है अल्कलाइन यूरिन में. अगर बेसिक यूरिन बहुत ज्यादा है तो मेनली फॉर्मेशन होंगे किसमें? अल्कलाइन यूरिन में. ये मेनली फॉर्मेशन होते हैं कैल्शियम से, मेनली फॉस्फेट कैल्कुलाइज होते हैं वो कैल्शियम के मिक्सचर से बनते हैं, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट के मिक्सचर से ये फॉस्फेट कैल्कुलाई बनते हैं. लेकिन कभी कभी इनके अंदर कभी कभी कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और अमोनिया का मिक्सचर भी देखने को मिलता है, मैग्नीशियम और अमोनिया के मिक्सचर्स भी देखने को मिल सकते हैं. अगर सिर्फ कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए तो हम उसको बोलते हैं फॉस्फेट कैल्कुलाई. लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन स्टोन्स के अंदर हमें अमोनिया और मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी देखने को मिलती है, तो उस टाइप के स्टोन्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोवाइट स्टोन्स. स्ट्रोवाइट स्टोन्स, ठीक है, स्ट्रोवाइट स्टोन्स.
ये जो स्टोन्स है ये मेनली कुछ इन्फेक्शन से मेनली होते हैं, ये लाइक बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, यूरिया को ब्रेक डाउन करके अमोनिया में चेंज करते हैं, और जैसे जैसे अमोनिया ज्यादा बनता जाएगा तो वो किसी ना किसी के साथ बाइंड होगा, स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो कि फॉस्फेट स्टोन्स में, फॉस्फेट टाइप के कैल्कुलाइज में हेल्प करते हैं, मीन्स बनाने में उनकी मेन रोल है। जैसे एग्जाम्पल प्रोटीएस, प्रोटीएस ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स हैं, पॉजिटिव प्रोटीएस ऐसे एंजाइम्स एजेंट्स हैं जो कि फॉस्फेट कैल्कुलाई को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो स्टोन्स हैं लाइक ये आपकी किडनी है, ठीक है, और ये आपका कलेक्टिंग सिस्टम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्टोन्स हैं ये आपके पूरे कलेक्टिंग सिस्टम को कवर कर देते हैं, ये बहुत लार्ज हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और आपके पूरे कलेक्टिंग सिस्टम को कवर कर लेते हैं, तो उस टाइप की स्टोन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेगोन, स्टेगोन अपीयरेंस और स्टेगोन स्टोन्स, ठीक है। ये बहुत बड़े स्टोन्स हो जाते हैं और आपके पूरे कलेक्टिंग डक्ट को कवर कर लेते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, स्टेगोन अपीयरेंस और स्टेगोन स्टोन्स। और ये स्टेगोन स्टोन्स जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। दो टाइप के स्टोन्स हो गए, ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सलेट स्टोन से जो कि मेनली फॉर्मेशन होते हैं, जो कि मेनली फॉर्म्ड होते हैं आपके लाइक जो मेनली आपके फॉर्मेशन है ऑक्सलेट स्टोन का, वो है आपसे लाइक म्यूकोसल डैमेज को फॉर्म करते जाते हैं, इरेगुलर होते हैं और मोनोहाइड्रेट एंड डाइहाइड्रेट फॉर्मेशन में होते हैं। अगर हम फॉस्फेट स्टोन्स की बात करें तो ये मेनली कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर मैग्नीशियम और अमोनिया की क्वांटिटी भी फॉर्म होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रुआइड स्टोन्स। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं और पूरे के पूरे कलेक्टिंग डट को कवर कर लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या, इस अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेगोन अपीयरेंस और स्टेगोन कैल्कुलाई, और ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करते हैं। थर्ड टाइप के स्टोन्स है जिसको हम बोलते हैं यूरिट स्टोन्स, यूरिट स्टोन्स भी स्मूथ होते हैं, यूरिट स्टोन्स भी स्मूथ होते हैं, ये लाइक इरेगुलर शेप के नहीं होते, हार्ड नहीं होते, स्मूथ होते हैं। इनका जो कलर होता है वो येलो टू ब्राउनिश, येलो टू ब्राउनिश कलर के होते हैं, येलो टू ब्राउनिश कलर के ये हो सकते हैं, ठीक है, येलो रेडिश ब्राउनिश कलर के हो सकते हैं। इनके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मेनली ये एसिडिक यूरिन में डेवलप होते हैं, एसिडिक यूरिन में मेनली डेवलप होते हैं, ठीक है। और थर्ड एंड मोस्ट लाइक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इनका, वो है ये रेडियोलूसेंट, रेडियोलूसेंट मीन्स ये स्टोन्स एक्सरे में शो नहीं होते हैं। ऑक्सलेट स्टोन्स की बात करें, फॉस्फेट की बात करें तो वो रेडियो ओपेक हैं, वो जब भी हम एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में हमें वो स्टोन्स शो होंगे, लेकिन जो यूरिट स्टोन्स हैं ये रेडियोलूसेंट टाइप की प्रॉपर्टी को, रेडियोलूसेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सरेज के अंदर शो नहीं होते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टोन सिस्टीन स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स जो है वो मेनली स्मूथ होते हैं, सेम स्मूथ है, राउंड है, इनका जो कलर है स्मूथ है, इनका जो कलर है वो होता है ब्रिक रेड और रेड कलर के होते हैं, ये बहुत ज्यादा रेड कलर के स्टोन्स होते हैं, ब्रिक रेड कलर, ठीक है, स्मूथ होते हैं, ब्रिक रेड कलर के होते हैं, ये भी एक लाइक ये भी रेडियोलूसेंट होते हैं, सॉरी नॉट सिस्टीन स्टोन्स, ज़ैंथिन स्टोन्स, ज़ैंथिन स्टोन्स, ठीक है, ये स्मूथ होते हैं, ब्रिक रेड कलर के होते हैं और ये भी रेडियोलूसेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, रेडियोलूसेंट प्रॉपर्टी ये भी रखते हैं, ठीक है। फिफ्थ टाइप के स्टोन्स हैं सिस्टीन स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स क्या होता है, सिस्टीन स्टोन्स जो होते हैं वो पिंक टू येलोविश ब्राउन कलर होते हैं, लाइक पिंक टू ब्राउन कलर के होते हैं, पिंक टू ब्राउन कलर के होते हैं जब भी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे हम उनको बॉडी से निकाल लेंगे बाहर तो कुछ रिएक्शंस की वजह से वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, किसके अंदर, ग्रीन कलर, ग्रीनिश येलो, ओके।
तो ये बॉडी के अंदर जब तक है तब तक ये पिंक और ब्राउन कलर के हैं, पिंक टू ब्राउन कलर के हैं, लेकिन जैसे उनको हम बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं तो कुछ एनवायरमेंटल रिएक्शंस की वजह से वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, किसमें, ग्रीनिश टू येलो कलर के अंदर, ठीक है। ये हार्डेस्ट स्टोन होते हैं, सारे स्टोन्स में सबसे हार्डेस्ट स्टोन्स यही हैं, ठीक है। ये मेनली फॉर्म होते हैं एसिडिक यूरिन्स में, मेनली फॉर्म होते हैं किसमें, एसिडिक यूरिन में, ठीक है। और इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सल्फर, ये सल्फर कंटेनिंग स्टोन्स हैं, सल्फर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्टोन्स हैं, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरेट, जेंथिन एंड सिस्टीन। सिर्फ दो स्टोन्स ऐसे हैं जो कि यूरेट एंड जेंथिन और स्टोन्स जो कि रेडियोलूसेंट हैं, एक और टाइप के स्टोन्स होते हैं लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेस देन 2-3% ऑफ इंडिविजुअल्स में, जो भी एड्स से रिलेटेड होते हैं वो भी रेडियोलूसेंट होते हैं लेकिन वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीन स्टोन्स ऐसे हैं जो कि रेडियो ओपेक हैं, सिस्टीन, ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्टोन्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके कुछ स्पेसिफिक, ये जब स्टोन्स होते हैं, जब स्टोन्स जो है वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं, आपस में जब एक्यूमुलेट होके एक क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्रिस्टल्स जो है वो एक्सरेज में या पाइलोग्राम्स में एक स्पेसिफिक अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, बहुत सारे स्टोन्स मिलकर एक लार्ज फॉर्मेशन करते हैं, एक लार्ज फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। बहुत सारे स्टोन्स मिलकर एक लार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टल्स जो है वो एक स्पेसिफिक अपीयरेंस शो करते हैं एक्सरेज और डिफरेंट टाइप के डायग्नोसिस मेथड्स के अंदर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट जो होता है, जिसको हम अगर एक्सरे और पाइलोग्राम्स के अंदर देखेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डंबल शेप, ये डंबल शेप के क्रिस्टल्स है, ठीक है, लाइक अ डंबल शेप क्रिस्टल्स, ये डंबल शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एनवेलप शेप्ड, ये क्रिस्टल्स जो है वो एनवेलप शेप के, ठीक है। और कौन कौन से स्टोन्स जो है वो आपस में फॉर्म होकर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक स्ट्रोवाइट स्टोन्स, स्ट्रोवाइट स्टोन्स, ये स्ट्रोवाइट स्टोन्स जो है वो अपीयरेंस शो करते हैं कॉफिन लिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट एंड स्ट्रोवाइट स्टोन्स, और सिस्टीन स्टोन्स एंड यूरिक एसिड स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स जो होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स जो है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड यूरिक एसिड जो है, यूरेट क्रिस्टल्स और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो मल्टीफेसेट और रोसेटी शेप, मल्टीफेसेट और रोसेटी शेप के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मल्टीफेसेट एंड रोसेटी शेप के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम डायग्नोसिस मेथड्स की बात करें कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस हैं जो कि हमारे रीनल कैलकुलस और यूरिनरी कैलकुलस से रिलेटेड आते हैं, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक यूरिन एनालिसिस हम देख सकते हैं, ठीक है, एक्सरे ऑफ कुप, किडनी यूरेट्राइन ब्लैडर, एक्सरे ऑफ कुप, यूरिन एनालिसिस, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन रेशियो, ठीक है, यूरिन एनालिसिस, एक्सरे ऑफ कुप, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन रेशियो, आईवी यूरोग्राफी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की, कौन सा ऐसा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है जो कि
इस रीनल कैलकुलस से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं एनसीसीटी, एनसीसीटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो एनसीसीटी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। तो ये डायग्नोसिस कुछ मोडालिटीज हैं जिससे हम यूरिनल स्टोन्स और यूरोलिथियासिस को डायग्नोसिस कर सकते हैं। यूरिनलिसिस, एक्सरे ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो, आईवी यूरोग्राफी, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, एनसीसीटी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन्स। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्रिस्टल्स हैं जो कि बहुत सारे स्टोन स्टोन एक्यूमुलेट होकर, स्टोन कंबाइन होकर एक लार्ज क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, और किस शेप में ये हमें दिखते हैं, लाइक यूरोग्राफी और नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्किन में किसके शेप के दिखते हैं, ये इनकी शेप्स हैं। ये शेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किस टाइप का भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक मेल और फीमेल पेशेंट है जिनके अंदर यूरोग्राफी करी, उनमें डम्बल शेप के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डम्बल शेप के क्रिस्टल जो है वो किसके किस मिक्सचर से बने हुए, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिससे डम्बल शेप क्रिस्टल बने हुए। तो ये जो शेप्स हैं आपको रिमेम्बर, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। डायग्नोसिस, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का जो सेक्शन है बहुत बड़ा है, इसलिए हम ट्रीटमेंट सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।